नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए हर चीज़ करने की, पर ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएं। चलिए, इसी से संबंधित आज हम इस वीडियो पर हम बात करेंगे मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे में किस तरीके से यहाँ पर जानवरों को और साथ ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया जा रहा है, और साथ ही अन्य एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ में आज़ादी मांगेंगे तो हम पर्यावरण का नाश जरूर करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट और साथ ही आपका पर्यावरण दोनों बचे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। हम बात करेंगे समृद्धि एक्सप्रेसवे 326 करोड़ का इसमें सैंक्शन हुआ है आपका ओवरपास। ओवरपास मतलब ऊपर से नॉर्मल गाड़ियां चलेगी और नीचे से जनरली रेलवे ट्रैक पास होता है, पर यहां पर रेलवे ट्रैक की जगह जो पास होगा वो जानवरों के लिए होगा। मतलब जानवरों के लिए ओवरपास, जगह जगह स्पॉट आइडेंटिफाई किए जहाँ पर घने जंगल और साथ ही जो पर्टिकुलर एरिया टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है वहाँ पर आपका ओवरपास बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी पहल है। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे 702 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। अच्छा, ये ओवरपास बनने से जानवर तो सुरक्षित रहेंगे ही, साथ ही हम भी सुरक्षित रहेंगे। ऑलरेडी मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आपको बनाया था कि किस तरीके से नील गाय हाईवे पे आ जाती है। वो बहुत बड़ा छलांग लगाती है, शेर से भी ज़्यादा बड़ा छलांग लगाती है, जिसकी वजह से हाईवे पर अचानक आ जाती है और बड़े हादसे हो जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी वेट होती है। उसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल की बात करें जिसमें कुछ साल पहले हाईवे प्रोजेक्ट का काम रुक गया था, लेकिन बाद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया और वहाँ पर जो चौड़ीकरण का काम था वो स्टार्ट हुआ 2015-16 में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका NH-44 पर नागपुर से 53 किलोमीटर दूरी पर सिवनी के डायरेक्शन में आपका अंडरपास ओवरपास के बारे में। जैसा इमेज आप देख पा रहे हैं ऐसा ओवरपास आपका बनकर तैयार हो रहा है और साथ ही बहुत सारी जगहों पर बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों मैं कहा कि आज़ादी होनी चाहिए पर हर चीज़ में नहीं, कुछ लिमिटेशन, कुछ आपको पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाना है और कितना हम कम से कम उसको नुकसान पहुंचा सकते, ये सब रूल्स रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।